मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बता रहा हूँ कि उस लड़का और लड़की के बारे में इनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए सबके घर की तलाशी लेनी होगी। अंदर तो कोई लड़की नहीं है। सर, कोई नहीं मिला क्या? साहब, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। वहाँ भी नहीं है, वो तो कहाँ गए? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं, हमने नहीं देखा किसी ने। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो खबर झूठी मिली है या फिर आपका खबर ही झूठा है। सही बात है इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है आपके खबरी भाई ने उस लड़की को किसी और सोसाइटी में जाते देखा होगा। I'm sorry, आप लोगों को इस वक्त मैंने परेशान किया। चलो, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने उस लड़की को इस सोसाइटी में छुपाया है तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। पटेल जी। सर, एक काम करो, हमारे खबरी को 24 घंटे गोकुलधाम पर नजर रखने के लिए तैनात कर दो। ओके सर। चलो। मैं तो कहता हूँ हमारी सोसाइटी का नाम गोकुलधाम सोसाइटी में से मुसीबत धाम सोसाइटी रख देना चाहिए भाई। अरे, लड़की को भगाया किसी और ने और परेशान हम लोग हो रहे हैं। अरे भाई, पुलिस का तो काम ही है, जहाँ शक हो वहाँ तलाशी लेना। बराबर। उन लोगों ने अपना काम कर लिया, चलो भी जाके सो जाओ सब। चलो। हाँ, चलो, 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 चलो। अरे, ये पोपड़दल कहाँ गया? घर चले गए होंगे ना। चलो, हम लोग भी चलो। चलो। कहाँ गई होगी? घर पर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। बुलबुल, कहाँ चली गई थी तुम? पत्रकार जी, वो कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ थी तुम? हम तो वहाँ खिड़की के बाहर छुप गए थे। खिड़की के बाहर? और क्या करते हम? पुलिस जो आ गई थी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पागल हो गई हो तुम? अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? अरे, अगर तुम घर में रहती और पकड़ी भी जाती तो तुम्हारे पिताजी से मैं लड़ लेता। लेकिन अगर तुम गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे बारे में सोचा? बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। प्लीज, दोबारा ऐसी गलती मत करना। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सॉरी, बिल्कुल मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो देखो, तुम रोगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा, तुम्हें मेरी कसम। प्लीज प्लीज, रोना बंद कर दो। चलो अब हंसो। देखो, अब तो पुलिस भी चली गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। देखो, हंस दो, वरना जैसे तुम खड़ी थी खिड़की के बाहर, वैसे मैं जाकर खड़ा रह जाऊंगा पूरी रात। ये बात हुई ना, हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो।
किस्मत भी अजीब है ना, आज सुबह तक हम एक दूसरे से अनजान थे और अब आप हमारे पति और हम आपकी पत्नी है। पर जब तक मैं तुम्हारी मांग में कुल देवी का सिंदूर नहीं लगा लेता तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। करेक्ट। तुम आराम से अंदर बेडरूम में जाकर सो जाओ, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? आप सो जाइए बेडरूम में, हम यही सोफे पर सो लेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर में पहली बार आई हो, मैं तुम्हें सोफे पर कैसे सोने दे सकता हूँ? तुम आराम से अंदर जाकर सो जाओ। ठीक है, थैंक यू पत्रकार जी, गुड नाइट। गुड नाइट पत्रकार जी, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स पत्रकार जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं पत्रकार जी। यस 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 यस। क्यों, जलन हो रही है ना? अरे दया चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए चाय और नाश्ता। ओ, वाह, आज तो मस्त नाश्ता है दया। क्या टप्पू के पापा सारा खाकरा ही तो दिया है। हाँ, अगर मैं आपको नाश्ते में गर्मा गर्म उपमा, सीरा, खमन, ढोकला, मसालेदार भाखरी, थेपला ये सब देती और आप मेरी तारीफ करते तो मैं समझ सकती थी। मतलब तू भी मानती है ना कि ये जो सारे नाश्ते तू बोली वो सब तारीफ के लायक है? तो वो सब नाश्ता क्यों नहीं खिलाती? ये क्या है, सादा खाकरा, इसके ऊपर ना घी है, ना जीराड़ू है, ना मसाला है, ना कुछ। तो चाय भी फीकी लग रही है, क्या है क्या आज? क्योंकि टप्पू के पापा आपका ये पैट है ना, वो रिक्शा के टायर में से कार का टायर बन रहा है। और अगर मैंने अभी से ध्यान नहीं दिया ना तो वो दिन दूर नहीं कि आपका ये पेट कार के टायर में से ट्रक का टायर बन जाएगा। अरे दया, मेहरबानी करके अंजलि भाभी बनने की कोशिश मत कर। तू दया जेठालाल गड़ा है वही रहे, और जो तू मुझे नाश्ता खिलाती आई है वही नाश्ता खिला, समझी? मेरा पेट ट्रक का टायर बने या एरोप्लेन का टायर बने, तुझे उससे क्या, वो मेरा पेट है, उसका पाल पोस के मैं कुछ भी बनाऊ, मेरी मर्जी, समझी? कहाँ गई हो? अरे इधर बाल बिगाड़े तूने, कंघी तो ला। ये लीजिए, मैं कंघी लेने गई थी। हाँ तो दे ना भाई अभी। देख दया क्या है, सुबह सुबह नाश्ता बराबर ना होना तो फिर पूरा दिन बेकार जाता है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ सुबह के नाश्ते में तो जलजल मत कर। सुबह का नाश्ता तो एकदम मस्त टेस्टी तर्राड़ होना चाहिए, कि खाते ही ऐसा पूरे बदन में ऐसा जोश आ जाए कि चलो उठो दुकान जाओ और पूरा दिन मस्ती से काम करो, समझे? समझ गई मेरे जोशीले बाबू। तो चलो मैं चलूं। मैं आपको जाने ना दूंगी। अरे क्यों? मेरी वजह से आपकी सुबह बिगड़ी है तो अभी मैं ही आपकी सुबह सवार देती हूँ। ओहो, क्या इरादा क्या है? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म क्या चटकेदार नाश्ता और सिर्फ दूध वाली कड़क मीठी मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। चलो वो नाश्ता है तब तक ये तो खा लूं। पत्रकार जी, पत्रकार जी।
कौन हो तुम? हम हैं, हम आपकी पत्नी बुलबुल। एक ही दिन में भूल गए हमें? सॉरी सॉरी, आदत नहीं है ना, यकीन ही नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है। तुम इंसान नहीं हो, परी हो, परी। ऐसा लगता है स्वर्ग से सीधा मेरे लिए ही आई हो। बुलबुल, आज हमारी मैरिड लाइफ की पहली सुबह है। गुड मॉर्निंग मिसेस पत्रकार। गुड मॉर्निंग पत्रकार जी। लीजिए, इतनी सुहानी सुबह में गार्डन से सुनाई देती पंछियों की मीठी चहकती आवाज के साथ आपके लिए गर्मा गर्म और मसालेदार चाय। क्या हुआ? पहले बैठिए। आज तक ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा था। मजा आ गया पोपट लाल। वाह 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 वाह। बुलबुल, अगर वर्ल्ड बेस्ट चाय की कंपटीशन हो ना, तो तुम्हारी चाय को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अब हमारी तारीफ करना छोड़िए और जल्दी तैयार हो जाइए। अच्छा, फिर? फिर शॉपिंग। अच्छा? अरे भाई, जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना, हम तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। हाँ, तुम्हें तो 3 दिन छुप कर रहना है ना। लेकिन आपका ये पत्रकार पति आपकी सेवा में हाजिर है। बताओ क्या क्या लाना है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊं। नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है, हम तो घर से ऐसे ही भाग के आए थे ना, आते वक्त साथ में कपड़े भी नहीं लाए थे, तो कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है वो लाना होगा। हमने लिस्ट तैयार रखी है। हाँ, लेकिन बुलबुल, तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा। मेरा जी करता है कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें देखता रहूं। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो शॉपिंग कौन करेगा? चलिए जाइए। अरे पर आपको आपके पत्नी का हुक्म है। अच्छा, मैं हमारी पत्नी का हुक्म सर आंखों पर। बताओ क्या क्या लाना। ओह, इतनी लंबी लिस्ट? ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। सच में आप लेडीज लोगों की कितनी कम शॉपिंग होती है। आपको अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा ना। हाँ। हाँ? कैसी बात करती हो तुम। अरे इस दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है बुलबुल, मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। अरे मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ और भी जोड़ना हो तो जोड़ दो। नहीं नहीं, फिलहाल इतना ही काफी है। लेकिन पैसे कल आपने मंदिर में। पैसों की तुम बिल्कुल फिकर मत करो, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। ये क्रेडिट कार्ड कब काम आएगा? मैं अभी जाकर सारी शॉपिंग करके आता हूँ। लेकिन सुनिए तो, मैं बस यूं गया और यूं आया। लेकिन पत्रकार जी, मैं बाहर से ताला मार कर जाता हूँ। नहा कर तो जाइए। सॉरी। आप बिना कितने भोले हैं। थैंक यू। किस लिए? नहाने का याद दिलाने के लिए। पत्रकार जी। हाँ मिसेस पत्रकार, कहो। जल्दी घर आना। जरूर। बाय बाय।
पोपट भाई। हाँ? किसको बाई कर रहे हो? अपने घर को। घर को? अरे भाई अब्दुल, मैं छाते से बात कर सकता हूँ तो अपने घर को बाई नहीं बोल सकता? पोपट भाई आप जल्दी से शादी कर लो। क्यों? आज घर को बाई कर रहे हो, कल घर के लिए खाना बनाओगे, परसों घर को कपड़े बनाओगे। अब्दुल ना वो कपड़ा देकर सामान देकर आता हूँ। रुक। इलाहाबाद से भागी हुई लड़की जिसका नाम बुलबुल है, पुलिस को शक है कि वो गोकुलधाम में आई है, और बुलबुल को ढूंढने पुलिस कल रात गोकुलधाम में आई थी, तो किसी को बुलबुल के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो फौरन पुलिस को जानकारी दे। पुलिस से ये बात छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है, सजा हो सकती है। कानून की मदद करके एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाइए। भीड़े को कितनी पंचायत है, जेठालाल बिल्कुल सही बोलता है, एक नंबर का पंचायत है। बुलबुल के बारे में यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? चलो मैं मार्केट चलता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग भीड़े। ए रुको, चलो का चलो, रुको। ए, रुको भाई, क्या इतनी जल्दी है भाई, रुको। अरे भाई भिड़े, मैं बहुत जल्दी में हूँ, पर जब कोई जरूरी काम से बाहर जा रहा हो तो उसे रोक कर टोकना अच्छी बात नहीं है। लड़की देखने जा रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है। सपने में? हकीकत में भी बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो बाय बाय बाय। अरे भाई ये बाय 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 नहीं, रुको। देखो गार्डन में पानी का पाइप टूट गया है तो काफी सारा पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमें नया पाइप लेने जाना है। हा? चलो मेरे साथ। भाई मैं क्या मजदूर हूँ जो मुझे पाइप उठाने ले जा रहे हो? भाई तुम मजदूर नहीं हो लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं 10 दुकान में घूमूंगा, भाव तल करके पाइप लेके आऊंगा, फिर उसके बाद तुम बोलोगे भिड़े कैंसल, ये बराबर नहीं है, बहुत महंगा लेके आए वगैरह। तो भाई भिड़े मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू डबल पैसा देकर भी पाइप लाएगा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके क्या चल रहा है ये? तुम पोपट लाली हो ना? प्लीज भाई टाइम पास मत कर, आज के जमाने में किसी का टाइम वेस्ट करना पानी वेस्ट करने जितना ही बड़ा गुनाह है। भाई मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाने दे। ओके बाय। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मुझे पाइप लेने जाना है। हाँ चलो। हाय पोपट भाई। हाय हीरे भाई। हाय हाय बबीता जी। ओके पोपट भाई, मुझे सर आपसे 2 मिनट काम है। गया काम से? मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ काम से। चलो बाय बाय। हाँ कहिए ना बबीता जी। पोपट भाई मेरा ना कजिन आया हुआ है कोलकाता से, जिसको जर्नलिस्ट बनना है, और आज शाम को 4 बजे एक न्यूज़पेपर के लिए उसका इंटरव्यू भी है, तो मैं जरा चाह रही थी कि अगर आप 1-2 घंटा भी टाइम निकाल के उसको जरा गाइड कर देते ना तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता, प्लीज। श्योर बबीता जी, लेकिन वो आज थोड़ा मुश्किल है, मैं कल मिलूंगा तो चलेगा? वो एक्चुअली इंटरव्यू आज शाम को 4 बजे है इसलिए। सॉरी बबीता जी। अरे ऐसा काम करते ही क्यों हो कि बबीता जी को सॉरी बोलना पड़े? बबीता जी पोपटलाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसने जो कुछ भी किया है अगली बार ऐसा नहीं करेगा, सॉरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर पोपटलाल सॉरी क्यों बोल रहा था? वो बबीता जी मुझसे मदद मांग रही है और मैं नहीं कर पा रहा इसलिए। तुम बबीता जी को मना कर रहे हो? भूल गए भारतीय संस्कार, स्त्री सम्मान, एक स्त्री को मदद के लिए ना बोल रहे हो इसलिए तुमको कोई स्त्री नहीं मिल रही है। जेठालाल मैं मदद के लिए मना नहीं कर रहा, आज मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। अरे दुनिया में आज तक ऐसी कोई मजबूरी पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें बबीता जी को, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी को मदद के लिए ना कहनी पड़े। हाँ बोलो। दोस्तों इन दिनों ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन दिनों ठंड ज्यादा है या पोपटलाल की कुंडली में मुसीबतें ज्यादा है। जैसे किसी व्यस्त सड़क पे एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, ठीक उसी तरह पोपटलाल की वैवाहिक शादीशुदा जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। भाई पोपटलाल के लिए विवाह का सुख केले के छिलकों वाला रास्ता हो गया है, अगर फिसल गए तो। अब देखे ना, नई दवेली दुल्हन के लिए शॉपिंग करने के लिए निकले हैं पोपटलाल और सामने मिल गई है बबीता जी और जेठालाल। अब क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जेठालाल पोपटलाल को बबीता जी की मदद करवाए बिना नहीं भेजने वाले। अब कैसे निभाते अपना पति धर्म पोपटलाल, उन्हें ये पति
क्षत्रिय धर्म निभाना है, पत्नी के लिए शॉपिंग भी करनी है, अब देखना होगा क्या वो जेठालाल से बच पाते हैं, क्या पोपटलाल निकल पाते हैं यहाँ से, यानी कि कमाल होने वाला है। यहाँ मुसीबतें बढ़ेंगी, आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।